किंगडम प्रोटिस्टा को हम पढ़े थे. आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने लास्ट लेक्चर को और हम पढ़ेंगे मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटिस्टा. मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटिस्टा. जैसे कि हमने अपने पिछले लेक्चर में बात की थी, हम प्रोटिस्टा को, किंगडम प्रोटिस्टा जो है उसको फोर मेजर ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं प्रोटिस्टा, और इसको हम फोर मेजर ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं. फर्स्ट जो ग्रुप है हमारे पास, उसको हम कहते हैं प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ. उसके बाद जो सेकंड ग्रुप है उसे हम कहते हैं, सेकंड ग्रुप है हमारे पास एल्जी. एल्जी जो है वो यूनिसेलुलर भी हो सकती है और मल्टीसेलुलर भी हो सकती है, और यही एल्जी. और उसके बाद हमारे पास जो थर्ड ग्रुप है उसे हम कहते हैं फंगस लाइक प्रोटिस्ट. इसके अंदर हम प्रोटिस्ट, इसके अंदर हमारे पास ओमाइकोट्स आ जाते हैं या स्लाइम मोल्ड्स आ जाते हैं. तो ये हमारे पास प्रोटिस्टा की क्लासिफिकेशन फोर ये इस तरह से है कि हमारे पास जो एलजी है ये हम इसे दो ग्रुप्स में कहते हैं, एक यूनिसेलुलर और एक मल्टीसेलुलर. तो इस तरह से हमारे पास जो है वो फोर ग्रुप्स आ जाते हैं. अगर ब्रॉडली क्लासीफाई करें तो हमारे पास थ्री मेजर ग्रुप्स जो हैं वो प्रोटिस्टा के आ जाते हैं. अच्छा, इसके बाद हम जब आते हैं मज़ीद, इसको मज़ीद अगर हम ब्रेक डाउन करें, यानी कि हम प्रोटोजोन्स के ऊपर आ जाएं, प्रोटोजोन्स को भी आगे हम डिवाइड करते हैं. इसकी भी मज़ीद हमारे पास टाइप्स होती हैं, तो इसे हम देख लेते हैं. आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो प्रोटोजोन्स के ऊपर ही होगा. इनकी जो मज़ीद आगे से हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं, हम उनको डिटेल में देखेंगे. प्रोटोजोन जो है हम इसको आगे से फाइव मेजर टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, या सिक्स आप इसको कह लें. फर्स्ट वन जो है वह है हमारे पास अमीबा, नेक्स्ट ज़ूफ्लैजेलेट्स, उसके बाद हमारे पास एक्टिनोपोड, फिर है हमारे पास फोरामिनिफेरॉन्स, और एपिकॉम्प्लेक्सन्स और सीलिएट्स. सीलिएट्स ये नाम आपको थोड़े मुश्किल मुश्किल अजीब अजीब से लग रहे होंगे. वन बाय वन जब हम इनको देखते जाएंगे तो आपको ये इजी भी लगेंगे और आपको इनके नेम से आपको याद भी रहेंगे कि ये इनका ऐसा नाम क्यों है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं. तो वन बाय वन क्योंकि हमने कहा हम इनको देखेंगे, फर्स्ट पे हमारे पास क्योंकि अमीबा है तो हम अमीबिया को देख लेते हैं कि इसमें कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो इस ग्रुप के अंदर आएंगे और वो क्यों हैं. ये नेम आप ऑलरेडी सुन भी चुके होंगे. जब भी हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो अमीबा को हम ज़रूर पढ़ते हैं. अमीबा जो है वो एक ग्रुप का भी नाम है और इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म आते हैं उनको भी हम अमीबा कहते हैं. ये जो ग्रुप है इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी करेक्टरिस्टिक्स को अगर हम देखें तो अगर उनके लिविंग हैबिटेट को देखें, ये फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हमारे पास फ्रेश वाटर में भी हो सकते हैं, मैरीन भी हो सकते हैं. इसके अलावा सॉइल के ऊपर भी अमीबा पाया जा सकता है. जब हम लोकोमोटरी ऑर्गन की बात करते हैं तो अमीबा के अंदर कोई ख़ास लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता मूव करने के लिए. अमीबा जो है वो एक फिंगर लाइक, अमीबा के अंदर एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू अमीबा मूव करता है, उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस. मूव वाया साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस, प्रोजेक्शन. साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अमीबा की अगर हम शेप देख लें, अमीबा की शेप कुछ सपोज इस किस्म की है और दरमियान में इसके जो है वो एक न्यूक्लियस होता है. जब अमीबा ने मूव करना है तो वो इस तरह से मूव करेगा कि इसके जो साइड से, इसके जो दरमियान में इसके, क्योंकि साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म जो है वो मूव करेगा किसी एक साइड. फॉर एग्जांपल इसने इस डायरेक्शन में मूव करना है तो करेगा क्या, अमीबा की जो पूरी की पूरी बॉडी है वो एक तरफ इस फॉर्म में एक तरफ खींचती जाएगी, क्योंकि जो इसका साइटोप्लाज्म है वो एक तरफ मूव कर जाएगा. तो इस फॉर्म में जो है वो अमीबा
ऐसा हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट, अब इससे जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसके अंदर अमीबा जो है वो अपने से कुछ डिस्टेंस जो है वो आगे मूव कर चुका होगा। तो ये अमीबा का पूरा प्रोसेस है जिसके थ्रू ये मूव करता है। इसको हम एक और नाम भी देते हैं, इससे ये जो मूवमेंट है इसके लिए जो जो ये जो यूज़ किया इसने साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन, इसको हम कहते हैं सूडो पोडिया। सूडो का मतलब होता है फॉल्स, सूडो सूडो का मतलब है फॉल्स, और ये जो पोडिया वर्ड है पोडिया का मतलब है फीट। ठीक है, क्योंकि इसके लिए कोई ख़ास फीट या कोई ऐसा ऑर्गन है नहीं है जो इसके इसको मूव करने में हेल्प करे, तो इसके लिए जो हम कहते हैं कि साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन, इसके लिए ख़ास वर्ड हम कहते हैं सूडोपोडिया है, यानी कि फॉल्स फूट है अमीबा का जिसके थ्रू ये मूव करता है। एग्जाम्पल अगर हम देखें अमीबा की एग्ज़ाम्पल, तो एक एग्ज़ाम्पल जो है वो है हमारे पास एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका जो एक ऑर्गेनिज्म है अमीबा, ये कॉजेटिव एजेंट है डायसेंट्री का ह्यूमन बींग्स के अंदर। ये जो बीमारी है डायसेंट्री, जिसे हम कहते हैं, जिसको आम जुबान में पेचिश भी कहा जाता है, तो ये जो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका है ये वो ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से ह्यूमन बींग्स के अंदर डायसेंट्री जो है वो हो जाती है। अगर इसकी आप शेप देखना चाहें, अमीबा की कुछ इस किस्म की शेप है, ये मेरे पास एक मैंने इसको इंटरनेट से लिए है अमीबा, इसके अंदर आप देख सकते हैं हमारे पास कलर में ये थोड़ा सा लाइट है। अगर आप इसको गौर से देखें, यहाँ दरमियान में हमारे पास है जी न्यूक्लियस, ये हमारे पास न्यूक्लियस है। इसके अलावा आउटर बाहर जो हमारे पास एक मेम्ब्रेन है वो है सेल मेम्ब्रेन, जो कि नॉर्मली हम एनिमल सेल के अंदर भी देखते हैं। इसके बाद हमने ये जो लोकोमोटरी ऑर्गन की बात की है, हमने कहा है सूडोपोडिया, तो ये अगर आप देख सकें इस तरह से, या ये जो इस तरह से ये जो साइड्स हैं इनको, ये हमारे पास सूडोपोडिया का काम करें। इसके अलावा दरमियान में हमारे पास वैक्यूल्स आप देख सकते हैं, वैक्यूल्स को हम डिफरेंट कलर से हाईलाइट करते हैं जी, ये वैक्यूल है, इसके अलावा ये वैक्यूल है, ये वैक्यूल्स हैं हमारे पास डिफरेंट, और ये अच्छा दो तरह के वैक्यूल्स आपको नज़र आएंगे, एक ये फूड वैक्यूल था और एक जो खाली आपको नज़र आ रहा था ये वाला, ये जो है ये खाली वाइट कलर में आपको विजिबल है, ये है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। फूड वैक्यूल का काम है कि उसने डाइजेशन में हेल्प करना है, और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम है कि उसने वाटर रेगुलेशन करनी है पूरे के पूरे अमीबा की बॉडी के अंदर। तो ये हमारे पास एक सिंपलेस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि अमीबा ग्रुप के अंदर आता है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट ग्रुप के ऊपर, अमीबा को हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, उसके बाद हम आ जाते हैं ज़ूओफ्लैजेलेट्स के ऊपर। बल्कि एक काम करते हैं, एक और हमारे पास एग्जांपल है जिसे हम कहते हैं जायंट अमीबा, जायंट अमीबा। इसका साइंटिफिक नेम अगर हम देखें तो वो है प्लियोमाइक्सा पेलेस्ट्रिस। प्लियोमाइक्सा पेलेस्ट्रिस जो ऑर्गेनिज्म है इसको हम जायंट अमीबा भी कहते हैं, और ये वो अमीबा है जिसे हम कहते हैं कि ये तमाम के तमाम जितने भी अमीबा जिनको हम अभी जानते हैं वो सब के सब इस अमीबा से इवॉल्व हुए हैं, यानी कि ये वो प्रिमिटिव यूकैरियोट है जिससे बाकी अमीबा इवॉल्व हुए हैं। ये जो जायंट अमीबा है इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा देख लें कि ये जो है इसके अंदर हमारे पास कुछ इसके खास करेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे इसके अंदर मल्टीपल मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस होता है, मल्टीपल मेम्ब्रेन बाउंडेड, मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियाई है इसमें। उसके अलावा इसके अंदर कोई और ऑर्गेनेली नहीं होती, मल्टीपल मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियाई के अलावा कोई ऑर्गेनेली नहीं है। और ये जो एनर्जी या इसका रहने का तरीका क्या है, एनर्जी कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, एनर्जी ऑब्टेन करता है मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया से, मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया। मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया क्या है, मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया जो है वो बेसिकली एक बैक्टीरिया की टाइप है, और ये जो बैक्टीरिया है ये किस तरह से ये ऑक्सीडाइज करता है CH4 मीथेन गैस को ऑक्सीडाइज करता है, और इसके थ्रू इसको जो है वो एनर्जी मिलती है। और ये कहाँ पाया जाता है, ये मर्ड में फ्रेश वाटर पॉन्ड अगर हो आपके पास तो उसके नीचे जो मर्ड होगा ये वहाँ पे जायंट अमीबा जो है वो पाया जाता है। तो ये अमीबा का टॉपिक कंप्लीट हो गया यहाँ पे। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो कि था, नेक्स्ट ग्रुप के ऊपर जो कि है ज़ूओफ्लैजेलेट्स। अच्छा, ज़ूओफ्लैजेलेट्स, ज़ू का क्या मतलब है, जैसे कि हम बायोलॉजी की एक टाइप है ज़ूलॉजी पढ़ते हैं, ज़ू जो वर्ड है ये बेसिकली हम इसको कहते हैं कि ये लिंक्ड है एनिमल से,
यहाँ पे एनिमल्स की बात होती है उसके लिए हम जू का वर्ड यूज़ करते हैं. फ्लैजिलेट्स, फ्लैजिला, फ्लैजिलेट्स का जो वर्ड है वो फ्लैजिला से निकला है, और ये वो ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें वन या वन से ज़्यादा जो है वो फ्लैजिला पाए जा सकते हैं. ठीक है, तो इस तरह से इसका ये नाम बन गया ज़ूओफ्लैजिलेट्स. इनके जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, वन बाय वन हम देखते जाते हैं ज़ूओफ्लैजिलेट्स के अंदर कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं. इसमें वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि यूनिसेलुलर हैं. अब हमने तीन तरह की लिविंग फॉर्मेशन की बात की थी. हमने कहा था या तो ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर होंगे या मल्टीसेलुलर, या हमने कॉलोनियल की भी बात की थी. तो ज़ूओफ्लैजिलेट्स जो हैं वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, इसके अलावा ये कॉलोनीज में भी रह सकते हैं, तो ये कॉलोनियल भी हो सकते हैं. सम ऑफ देम आर कॉलोनियल एज वेल. अच्छा, जब हम बॉडी शेप की या स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये जो ज़ूओफ्लैजिलेट्स हैं ये स्फेरिकल इनकी बॉडी है, और इनका जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में होता है, यानी कि स्फेरिकल बॉडी विद सेंट्रल न्यूक्लियस. अच्छा, जैसा कि इसके नाम से हमें पता चल रहा है ज़ूओफ्लैजिलेट्स का मतलब है इसके अंदर फ्लैजेला होगा. जब हमने अमीबा की बात की थी, हमने कहा था कि उसका जो लोकोमोटरी ऑर्गन है वो है सूडोपोडिया. जब ज़ूओफ्लैजिलेट्स की बात करेंगे तो हम कहेंगे लोकोमोटरी ऑर्गन या लोकोमोशन में हेल्पफुल जो है वो इसके लिए फ्लैजेला होते हैं. तो इसके अंदर वन और मोर देन वन भी, वन से ज़्यादा भी जो है वो फ्लैजेला पाए जा सकते हैं. फ्लैजेला की हम बार बार बात करें, फ्लैजेला है क्या? फ्लैजेला जो है वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इस तरह से एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर, स्पेशली उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाया जाता है जो कि वाटर के अंदर रहते हैं. और ये जो फ्लैजिला है ये ऑर्गेनिजम्स को मूव करने में हेल्पफुल होता है. ये जो फ्लैजिला, एक स्पेशल मूवमेंट होती है इस फ्लैजिला की, जिसके थ्रू पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म जो है वो फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूव कर सकता है. तो ये हमने मूवमेंट का देख लिया. इसके अलावा मोड ऑफ न्यूट्रिशन या किस तरह से अपनी खुराक किस तरह से लेता है, ये खुराक इस तरह से लेता है कि ज़ूओफ्लैजिलेट्स जितने भी हैं वो या तो डेड ऑर्गेनिजम्स को इंजेस्ट कर लेंगे, इंजेस्ट का मतलब पूरा का पूरा इंगल्फ कर लेंगे, खा लेंगे. ठीक है, या तो वो पूरे इंजेस्ट कर लेंगे, बल्कि इसको पूरे को मैं आपको लिख देती हूँ, ऑब्टेन फूड बाय इंजेस्टिंग डेड ऑर्गेनिजम्स. डेड ऑर्गेनिजम्स को इंजेस्ट करके अपनी फूड लेता है, या फिर और ये एब्जॉर्ब कर लेता है न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड ऑर्गेनिजम्स. जितने भी डेड ऑर्गेनिजम्स हैं या तो ये इनको इंगल्फ करके खा लेगा, या फिर ये करेगा कि उन डेड ऑर्गेनिजम्स के अंदर से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेगा. तो इस तरह से ये इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ये इस तरह से अपनी फूड लेता है. अगर हम इनके लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें, ये फ्री लिविंग भी हो सकता है, सिम्बियोंट्स भी हो सकते हैं, और पैरासिटिक. अब इनका क्या मतलब फ्री लिविंग? जब हमने अमीबा की बात की थी तो हमने कहा था कि अमीबा जो है वो फ्री लिविंग भी है और वो पैरासिटिक भी हो सकते हैं. फ्री लिविंग जो है वो नॉर्मल अमीबा जो फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और वो पैरासिटिक भी हो सकते हैं. जैसे कि हमने बात की थी एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका की, ये जो अमीबा है हमारे पास ये ह्यूमन बींग्स के अंदर एक पैरासाइट है. तो इस तरह से जब हम ज़ूओफ्लैजिलेट्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ज़ूओफ्लैजिलेट्स जो हैं उनमें तीन तरीके हैं, या तो वो फ्री लिविंग हो सकते हैं, या फिर वो सिम्बियोंट्स हो सकते हैं, सिम्बियोंट्स और फिर या फिर पैरासाइट्स. इनका मैं आपको बताती हूँ सिम्बियोंट्स क्या है. यह आप ऑलरेडी आई थिंक पढ़ भी चुके हैं. सिम्बियोंट जो है वो सिम्बियोसिस से वर्ड निकला है, और ये एक ऐसा रिलेशनशिप है लिविंग बींग्स जो हैं. जब हम इकोसिस्टम की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ रह रहे हैं. अब ऐसे भी हो सकते हैं कि वो एक दूसरे को हार्म पहुंचाएं, नुकसान पहुंचाएं, या फिर ये भी हो सकता है कि वो एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचा रहे हों. जब हम एक कम्युनिटी में रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, तो वो या तो वो एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचा रहे होते हैं, या फिर एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को फ़ायदा पहुंचा रहा है जबकि दूसरा उसको कुछ कोई फ़ायदा कोई नुकसान कुछ भी नहीं पहुंचा रहा. ठीक है, तो इस तरह के डिफरेंट जो रिलेशनशिप्स होते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर वो आ जाते हैं, उनको हम कहते हैं सिम्बियोसिस, सिम्बियोंट्स. ठीक है, उसे हम कह देते हैं सिम्बियोंट्स. सिम्बियोंट्स के अंदर हमारे पास डिफरेंट तरह की रिलेशन, जैसे कि म्यूचुअलिज्म आ जाता है, या फिर हमारे पास एक और रिलेशन है जिसे हम कहते हैं कमेंसलिज्म. ठीक है, इस तरह से रिलेशंस डिफरेंट तरह के आ सकते हैं. तो ये जो रिलेशंस हैं ये सिम्बियोंट्स के अंदर आ सकते हैं, आ जाते हैं. और उसके बाद हमारे पास हैं पैरासाइट. पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर रहते हैं और उन्हें हार्म पहुँचाते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं. अच्छा, जब हम एग्जांपल की बात करते हैं, वन बाय वन एग्जांपल देखते जाते हैं.
अच्छा, जो तीन तरह के हमने रिलेशनशिप टाइप्स देखे हैं, हम इन्हीं की एक एक एग्जांपल को देखते जाते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है वो है ट्राइकोनिम्फस। ट्राइकोनिम्फस जो है वो ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि हम कहते हैं कि कम्प्लेक्स है, और इसके अंदर स्पेशलाइज्ड फ्लैजेला होते हैं, और ये एक सिम्बियोंट है। ठीक है, सिम्बियोंट ये किस तरह से, सिम्बियोंट इस तरह से है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये टर्माइट की गट में रहता है। टर्माइट, इट लिव्स इन गट ऑफ टर्माइट। टर्माइट जो है जो कि लकड़ी खाता है, ठीक है, तो उसकी उसकी गट में ये रहता है और उसको फ़ायदा पहुंचाता है। फ़ायदा क्या पहुंचाता है कि वो जो लकड़ी वो खा रहा है ऑर्गेनिज्म, वो ड्राई वुड होती है, और उस ड्राई वुड को, ड्राई लकड़ी को डाइजेस्ट करने में ये जो ऑर्गेनिज्म है ये हेल्प करता है। तो इस तरह से ये तो इसका सिम्बियोंट रिलेशनशिप हो गया। इसके बाद जब हम बात करते हैं पैरासिटिक रिलेशनशिप की, तो पैरासिटिक रिलेशनशिप में हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है जिसे हम कहते हैं ट्राइपैनोसोमा। ठीक है, ट्राइपैनोसोमा जो है वो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि ह्यूमन बींग्स के अंदर एक डिजीज़ कॉज करता है जिसे हम कहते हैं अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। ये एक बीमारी का नाम है, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, और ये जो बीमारी कॉज करता है, उसका कॉजेटिव एजेंट जो है वो हमारे पास ट्राइपैनोसोमा एक ज़ूफ्लैजिलेट है। और ये किस तरह से बीमारी कॉज करते हैं ह्यूमन बींग्स में, इस तरह से करता है कि हमारे पास एक फ्लाई है जिसे हम कहते हैं जीजी फ्लाई। इसके स्पेलिंग ये हैं और प्रोनाउंसिएशन है, उसको कहते हैं जीजी फ्लाई। और ये जीजी फ्लाई है, इसके अंदर ये जो जीजी फ्लाई है ये इन्फेक्ट करती है ह्यूमन बींग्स को जब भी वो बाइट करती है, और उसके अंदर से, यानी हम कह सकते हैं कि जीजी फ्लाई जो है वो कैरियर है ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म ट्राइपैनोसोमा। इसके बाद हमारे पास एक और एग्जाम्पल आ जाती है जिसे हम कहते हैं क्वाइनोफ्लैजेलेट्स। क्वाइनोफ्लैजेलेट्स जो हैं ये वो ऑर्गेनिज्म्स हैं जो कि सिसाइल हैं। सिसाइल का क्या मतलब, सिसाइल का ये मतलब है कि ये अटैच होते हैं किसी खास चीज़ के साथ। फॉर एग्जांपल, अगर ये मरीन है तो ये पानी के अंदर जो रॉक्स होंगे ये उनके साथ अटैच्ड होंगे। तो ये भी हम इसको देख सकते हैं कि एक ये भी एक रहने का इनका तरीका है। और ये जो ऑर्गेनिज्म्स हैं क्वाइनोफ्लैजेलेट्स, ये रिजेंबल करते हैं, दे रिजेंबल स्पॉन्जेस। जब हम एनिमल्स को पढ़ेंगे इनके किंगडम्स को, तो आपके पास एक ऑर्गेनिज्म आएंगे जिसे हम स्पॉन्जेस कहते हैं, और वो, और ये जो ऑर्गेनिज्म है क्वाइनोफ्लैजेलेट्स, ये बहुत ज़्यादा रिजेंबल करते हैं स्पॉन्जेस को बिकॉज ऑफ इट्स ऑर्गन कॉलर। कॉलर का जो ऑर्गन है इसकी वजह से ये स्पॉन्जेस से रिजेंबल करते हैं। तो ये हमने देख लिए कुछ ऑर्गेनिज्म्स जो के थे ज़ूफ्लैजेलेट्स के एग्जांपल में। आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसी को आगे से कंटिन्यू करेंगे। इसको थोड़ा सा हम समराइज कर लेते हैं। आज के लेक्चर के अंदर हमने देखा कि मेन जो मेजर ग्रुप्स हैं प्रोटिस्टा के, वो क्या क्या हैं। उन तीन ग्रुप्स के अंदर से फिर हमने एक ग्रुप को उठाया जो कि था प्रोटोजोआ, और प्रोटोजोआ के मजीद आगे हम टाइप्स को देख रहे थे। आज के लेक्चर के अंदर बेसिकली हमने अमीबा और ज़ूफ्लैजेलेट्स दो टाइप्स को पढ़ा। उसके बाद हमने अमीबा की जब कैरेक्टरिस्टिक्स देखी डिटेल में, हमने देखा अमीबा की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी एक एग्जाम्पल को देखा। उसके बाद हम ज़ूफ्लैजेलेट्स के ऊपर आ गए, हमने उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी और उसकी हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखी। अमीबा की एग्जाम्पल के सॉरी ज़ूफ्लैजेलेट्स की जहाँ हमने एग्जाम्पल की बात की, वहाँ पे हमारे पास एक और ऑर्गेनिज्म है जिसे हम कहते हैं कि युगलीना की एग्जाम्पल हमने अभी पढ़ी भी थी। ये हमारे पास शेप है युगलीना की, और युगलीना के अंदर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास युगलीना के स्ट्रक्चर के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लंबा सा आपको फ्लैजेलम जो है, ये फ्लैजेला सिंगुलर में अगर हम देखेंगे तो वो फ्लैजेला होगा। ये हमारे पास एक फ्लैजेला है, ठीक है। तो ये जो फ्लैजेला है इसकी मदद से ये ऑर्गेनिज्म मूव करता है। तो ये तो था आज का टॉपिक।